hurry. Come on. हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी मारुति सुजुकी जिप्सी 2017 का ये मॉडल है। 1.3 लीटर्स का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है। ये गाड़ी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल ऑफ रोडर्स है। ड्यू टू एमिशन नॉर्म्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स ये गाड़ी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मगर आज भी लोग इस गाड़ी को बहुत चाहते हैं। इस गाड़ी की जो वैल्यू है वो आज भी बरकरार है। तो इस गाड़ी का जो पेट्रोल पे एवरेज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है। तो जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई मैं इसको सीएनजी में कन्वर्ट करा देता हूँ। लोकल में जब वो गाड़ी को यूज़ करेंगे तो सीएनजी पे ही चलाना प्रेफर करेंगे, और जब कभी वो ऑफ रोडिंग का प्लान करेंगे तो वो इसे पेट्रोल पे चलाएंगे। पेट्रोल पे इसका एवरेज अराउंड एज़ पर द कस्टमर 6-7 मैक्सिमम 8 का आता है। वही रीज़न है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव है। तो हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स हमने गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा जिप्सी का इंजन बे, और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम फिलिंग वॉल्व से। तो यह है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। यह है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके लगाइए गेज। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। साथ में इसमें लगा है ये मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन बे में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। और इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम, बेसिकली माइंड भी कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। साथ में इसके लगा ये एडवांसर। एडवांसर काम होता है पेट्रोल और सीएनजी के बीच में एक परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है ड्यू टू देयर डिफरेंट कम्बस्चन टेम्परेचर्स। तो उस फ़र्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करना एडवांसर का ही काम होता है। और हमने इसमें जो वायरिंग की है सारी कपलर टू कपलर है, कोई वायरिंग इस गाड़ी की नहीं कट की गई है। एडवांसर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है, चार सिलेंडर गाड़ी है या मारुति की गाड़ी है, अलग अलग सबके रीज़न्स हैं, या होंडा की गाड़ी एक्स वाई जेड होंडा की गाड़ी, सब अपने अपने रीज़न्स देते हैं एडवांसर ना लगाने के। बट आप एक चीज़ समझें, आप पेट्रोल इंजन में पेट्रोल की जगह सीएनजी को पंप कर रहे हैं, सीएनजी की जो कम्बस्चन की क्वालिटी है वो पेट्रोल से काफ़ी कम होती है, इस वजह से लैग आना लाजमी है। तो एडवांसर हमारा गाड़ी की टाइमिंग को मैकेनिकली हल्का सा इन्हेंस कर देता है जिससे कि वो लैग या खिंचापन महसूस नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में किस तरह का इंस्टॉलेशन किया गया है। सारे पाइप सारी वायरिंग प्रॉपरली कवर्ड है ताकि फ्यूचर में कभी किसी भी फॉल्ट के आने के चांसेस कम से कम रह जाएं। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही ट्यूनिंग की क्वालिटी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि गाड़ी आपकी बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं सीएनजी का स्विच और उसके फंक्शंस। तो यह है हमारा सीएनजी का स्विच, एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट। गाड़ी इस टाइम सीएनजी पे ही स्टार्ट हुई है बिकॉज़ मैंने इसकी सेटिंग इस तरह से की है कि गाड़ी का इंजन अगर वार्म होगा तो डायरेक्ट सीएनजी पे ही गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर गाड़ी का इंजन ठंडा होता तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करती और यहाँ पे पेट्रोल की ऑरेंज लाइट जलती, और जब गाड़ी अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आ जाती जिस पर हमने गाड़ी को ट्यून किया है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती। इफ़ इन केस कभी आप किसी लंबे सफ़र पे हो और आपकी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी। बस एक छोटा सा बज़र बजेगा इस स्विच में, उस बज़र को बंद करने के लिए आपको इस स्विच को पुश करना है। गाड़ी आपकी पेट्रोल पे ही चलती रहेगी मगर वो बज़र बंद हो जाएगा, और जब आप दोबारा सीएनजी फिल करा लें इस बटन को दोबारा पुश कर दें, गाड़ी आपकी सीएनजी पे फ्लॉलेसली कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस गाड़ी में एसी तो है नहीं और ना ही आरपीएम मीटर है, इसमें टैकोमीटर नहीं है, तो वो तो मैं आपको चेक नहीं करा पाऊंगा। स्टिल गाड़ी बहुत स्मूथ है, अगर आप फील कर पाए गाड़ी इस टाइम सीएनजी पे ही है।
अब एक बार मैं आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ कि सिलेंडर की प्लेसमेंट किस तरह से की गई है और कितना स्पेस बचता है जिप्सी में सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो यह है हमारा सीएनजी का बूट स्पेस, तो कह नहीं सकते इसे क्योंकि पूरा का पूरा बूट स्पेस ही है या सिटिंग एरिया कह लो आप। तो ये है हमारा 12 किलो का सिलेंडर, आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी प्लेसमेंट की गई है। जो ड्राइवर सीट है और जो पैसेंजर सीट है आगे वाली, उसको आप पूरी तरह एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप उसको पूरी तरह पीछे नहीं कर सकते या पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर सकते। मगर हाँ, जब आप जो ये वाली सीट्स हैं इनको जब आप पूरी तरह नीचे करोगे तो ये थोड़ा सा टच होंगी सिलेंडर पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सीट इसकी खोली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा टच हो रहा है, ठीक है। तो इतनी जगह इसके नीचे रह गई है, या तो आप इसके नीचे रबर के बुशेस लगा सकते हैं या फिर कुछ कोई आयरन का ब्रैकेट इसमें आप वेल्ड करा सकते हैं, तो पीछे वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पीछे की सीट्स भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। और थोड़ा सा जो एंगल है वो मैं आपको सीट का दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एंगल पीछे की सीट का हल्का सा जो आपका अंडर थाई सपोर्ट है उस तरफ से ऊंचा हो गया है, मगर बैठने में इतना कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल है। बाकी जिप्सी कंफर्ट के लिए तो जानी नहीं जाती, वो अपनी रगेडनेस के लिए जानी जाती है। स्टिल आप सीएनजी की प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि गाड़ी हमारी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी पे। तो गाड़ी इस टाइम है हमारी सीएनजी पे और मैं फर्स्ट गियर इंगेज करता हूँ हमेशा की तरह, जैसे कि बिना एक्सेलरेटर के मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। और आप देखिए गाड़ी मूव होने लगी है, तो अब थोड़ा सा भगा के देखते हैं। तो भागने में तो गाड़ी गोली है, बट जो ड्राइवेबिलिटी है गाड़ी की वो थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये गाड़ी कंफर्ट के लिए नहीं जानी जाती, अपनी रगेडनेस के लिए जानी जाती है। स्टिल गाड़ी बहुत बढ़िया थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे रही है, एक्सेलरेटर दबाते ही गाड़ी गोली हो रही है। तो अगर आपके पास जिप्सी है, देखिए ये बहुत पैशनेट लोगों के पास ही मिलेगी ये गाड़ी, आम आदमी तो इस गाड़ी को नहीं रखते क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल भी नहीं है और दूसरा शौकीन लोगों की शान है ये। तो अगर आपके पास है जिप्सी और आप कंसर्न है कि भाई यार पेट्रोल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आप सिटी में अगर यूज़ करते हैं तो आप उसमें सीएनजी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। खड़े खड़े तो देखिए ख़राब ही होनी है गाड़ी, इट्स बेटर कि आप उसमें सीएनजी इंस्टॉल करें और गाड़ी को चलाएं। और गवर्नमेंट से भी अप्रूवल है कि आप जिप्सी में सीएनजी लगा सकते हैं और आरसी एंडोर्समेंट वगैरह भी आपका हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए भी आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक की बात है भाई एवरेज वगैरह क्या देगी, तो जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले हैं उनके पास भी जिप्सी है, उन्होंने सीएनजी लगा रखी है, तो वो बता रहे थे कि भाई उनको 18-20 का एवरेज दे रही है जो कि बहुत है। अब मेरा तो ये मानना है कि जो भी पेट्रोल की एवरेज है उससे मिनिमम 50% तक का गेन तो आता ही आता है, और अगर कोई लाइट फुटेड है और आराम से गाड़ी चलाता है तो 60-70% तक का भी गेन आता है। मगर अगर जिप्सी जैसी गाड़ी जिसका पेट्रोल पे 7-8 का एवरेज है वो 16-17-18 का एवरेज दे, तो भाई बहुत कमाल की बात है। तो अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जहाँ तक की बात है कौन से ब्रांड की लगाएं, तो जो भी ब्रांड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है आप चूज़ कर सकते हैं, बस एक अच्छा इंस्टॉलर और एक अच्छा ट्यूनर आप ढूंढें, आपकी जिप्सी सीएनजी पे बहुत बढ़िया चलेगी। तो अब चलते हैं एक छोटा सा रिव्यू गाड़ी के ओनर का भी ले लेते हैं कि उनको गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है सीएनजी पे। तो सर हमने आपकी आज जिप्सी में सीएनजी इंस्टॉल की है, अब आप चला रहे हो सीएनजी पे, आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? पेट्रोल के सिमिलर है, कोई इसमें लैग या कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी है वो कैसी लग रही है? तो आप सेटिस्फाइड है 100%? मेरे को मतलब ये था नहीं कि इतना नीट एंड क्लीन सेटअप इसमें हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि रॉ एक्सपोज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन इसमें वो हुआ है और चलाने में बिल्कुल कोई बता नहीं सकता कि पेट्रोल पे है सीएनजी पे।
तो चलिए सर, हमारा सेटिस्फाइड हैं और मतलब मुझे खुद बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी में काम करके, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है और मतलब बहुत ही एंथुजियास जो लोग होते हैं वही लोग रखते हैं, हर कोई ये गाड़ी नहीं रख सकता। तो स्टिल अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।